हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का सिलेबस दिखाने वाली हूँ विद आपका एग्ज़ाम पैटर्न, कि क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। ये जो सिलेबस मैं आपको बताऊँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर बताऊँगी। पहले आपको इंग्लिश मीडियम का पूरा सिलेबस दिखाऊँगी, यानी जो जो आपके पेपर्स हैं, जो जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें, फिर वही आपको सारी चीज़ें हिंदी में भी दिखाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के अंदर आपके तीन पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है आपका डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगैम्स। पेपर सेकंड है डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगैम्स, जिसके अंदर आपके ब्रायोफाइटा, डाइटोफाइटा, पैलियोबॉटनी है। पेपर थ्री है आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और फोर्थ है आपका प्रैक्टिकल। तीनों पेपर आपके 50-50-50 नंबर के हैं और आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो है 54 तीनों पेपरों को मिला के, यानी ओवरऑल आपको 150 में से 54 मार्क्स लेके आने हैं पास होने के लिए। और प्रैक्टिकल है आपका 75 मार्क्स का, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 27। तो प्रैक्टिकल के पासिंग मार्क्स तो कॉलेज वाले आपके भेज ही देते हैं, आपको मेन फोकस करना है ये जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं उन पर, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो आपको बस एक प्रैक्टिकल फाइल बना के सबमिट करवानी होती है, जो कि प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के अंदर आपके तीन पेपर हो गए, तो हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट देखते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगैम्स, थैलोफाइटा वाला। इस पेपर के अंदर मैं आपको पेपर पैटर्न बता रही हूँ, यही पेपर पैटर्न हिंदी मीडियम का भी होगा, यही पेपर पैटर्न आपके बाकी के दो पेपर का भी होगा। तो पेपर पैटर्न मैं एक बार ही समझाऊंगी, जिसमें आप पूरा समझ लीजिए, और फिर पेपर पैटर्न आपका आगे जो अदर पेपर्स होंगे उनके सिलेबस में भी सेम ही रहेगा। तो इसमें आपके तीन सेक्शन हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए के अंदर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे, हाफ ऑफ मार्क्स के, ठीक है। और मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये आपके हर पेपर में 5 यूनिट होती है, तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे फिर वही 10 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको हर यूनिट से 1-1 क्वेश्चन करना है, ठीक है, यानी 10 में से आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही करने हैं। फिर है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन होंगे आपके 10 नंबर के, ये सेक्शन बी और सेक्शन सी आपके बड़े मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर मार्किंग भी लिखी हुई है साइड में कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी यदि आपको डिटेल में पूरा केवल पेपर पैटर्न पर ही वीडियो चाहिए, तो वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने पेपर पैटर्न बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, पेपरों को दिखाकर कि किस तरह का आपका पेपर आता है और क्या पेपर पैटर्न रहता है। और बाकी शॉर्ट में जो होता है तीन सेक्शन मार्किंग उनकी, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। पेपर फर्स्ट में आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट का सिलेबस आप डायरेक्ट एक बार यहाँ से देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली यूनिट है इसमें आपकी वायरस एंड बैक्टीरिया, सेकेंड यूनिट है एल्गी की, जिसके अंदर आपका क्लोरोफाइसी वाला पार्ट है। थर्ड यूनिट भी आपकी एल्गी है, जिसमें आपका ज़ैंथोफाइसी वाला पार्ट है। फिर है फोर्थ यूनिट आपकी फंगी, और फिफ्थ यूनिट है आपकी प्लांट डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर फन की 5 यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सिलेबस। इसके बाद हम बढ़े पेपर सेकंड की तरफ। पेपर सेकंड है आपका डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगैम्स, जिसके अंदर आपके ब्रायोफाइटा, टाइटोफाइटा और पैलियोबॉटनी है, ठीक है। अब इनमें जो पेपर पैटर्न रहेगा वो सेम ही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले उसमें बताया था पेपर फर्स्ट के अंदर। सो पेपर पैटर्न और मार्किंग सेम हो गई। अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। इसमें भी आप यहाँ से डायरेक्ट पूरा एक बार में 5 यूनिट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर पेपर में आपकी 5 यूनिट ही होने वाली है, और इन 5 यूनिट में आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो यूनिट फर्स्ट है इसमें ब्रायोफाइटा, सेकंड यूनिट के इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनके नेम लिखे हुए हैं। थर्ड यूनिट आपकी टेरिटोफाइटा, फोर्थ यूनिट के अंदर आपको ये 5 मेन जो पॉइंट्स हैं आपके, राइकोपोडियम, स्लेजनला, इक्यूसिटम, एडिनटम, मार्सिला, इनके बारे में आपको डिस्कशन पढ़ना है इसके अंदर पूरा। और यूनिट फिफ्थ आपकी फॉसिलाइजेशन वाली है, ठीक है। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को इन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, तो नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं मेरे चैनल पर, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख लेना।
नाउ पेपर थ्री आ जाता है अपना सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसका सिलेबस आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें यूनिट फर्स्ट आपकी सेल एनवलप वाली है, यूनिट सेकंड है क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट थ्री है जेनेटिक इनहेरिटेंस और जीन एक्सप्रेशन। दो पार्ट है यूनिट थ्री के अंदर। फिर है यूनिट फोर जिसमें आपका जेनेटिक वेरिएशंस है, ये इनके अंदर के सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ने हैं। यूनिट फाइव है फिर इसमें प्लांट ब्रीडिंग। इन सभी तीनों पेपरों के हर यूनिट के नोट्स मैंने चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं, वीडियोस बनाई हुई है हर चैप्टर के लिए, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें प्रैक्टिकल्स। अब ये जो आपके फर्स्ट ईयर बॉटनी के अंदर जो आप प्रैक्टिकल करोगे तो उनके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे तो इनमें से आधे से भी नहीं, मुश्किल से कोई दो तीन एक्सपेरिमेंट आपसे कॉलेज वाले आपको करवाएंगे, क्योंकि कॉलेज में प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाते इतने ज़्यादा, केवल आपको बस दिखाने के लिए थोड़े बहुत वो करवा सकते हैं। बाकी आपके सिलेबस में इतने सारे प्रैक्टिकल्स हैं तो यदि आपके कॉलेज वाले नहीं करवाते हैं या फिर आप प्राइवेट अपना बीएससी कर रहे हैं तो फिर आप इनको एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर देखिएगा। यूट्यूब पर आपको हर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो मिलेगी जिससे आप उस प्रैक्टिकल को थोड़ा समझ पाएँ। यदि आपका इंटरेस्ट है प्रैक्टिकल्स देखने में करने में तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि यूट्यूब पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आपका ये मार्किंग स्कीम हो गया। देन ये आ गया हिंदी मीडियम का सिलेबस, इंग्लिश में हो गया पूरा। अब हिंदी मीडियम का सिलेबस आप यहाँ से देख लीजिए। हिंदी मीडियम में वही जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, पेपर पैटर्न और पेपर्स के नेम्स, अब वही सब चीज़ें आपको हिंदी में यहाँ पर मिलेंगी, ताकि हिंदी मीडियम को जो दिक्कत होती है स्पेलिंग्स वगैरह में वो यहाँ से देख लें, डायरेक्ट हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ। वही तीन पेपर हैं आपके। पहला पेपर है सूक्ष्म जीवों एवं क्रिप्टोगेम्स में विविधताएं, सेकंड पेपर है क्रिप्टोगेम्स ब्रायोफाइटा टाइटोफाइटा में विविधताएं एवं पादप जीवाश्म विज्ञान, पेपर थ्री है आपका कोशिका विज्ञान आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, और फोर्थ है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। मार्किंग यहाँ पर दी हुई है। पेपर पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, वही जो पेपर पैटर्न इंग्लिश मीडियम का है वही हिंदी मीडियम का पेपर पैटर्न है, क्योंकि पेपर तो आपका सेम ही आने वाला है, दोनों लैंग्वेज में पेपर लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम लेके किस में पेपर लिखना चाहते हैं। यहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए। पेपर फर्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों एवं क्रिप्टोगेम्स में विविधताएँ, और इसकी पाँचों यूनिट का सिलेबस आप यहाँ से देख लीजिए। स्टार्टिंग में चार यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट है आपकी विषाणु एवं जीवाणु, यूनिट सेकंड है शैवाल जिसके अंदर आपके क्लोरोफाइसी वाला पार्ट है, और यूनिट थ्री में जो शैवाल है उसके अंदर आपका ज़ैंथोफाइसी वाला पार्ट है। फिर है आपकी यूनिट फोर कवक, और ये है यूनिट फाइव पादप व्याधियाँ, ठीक है। यदि आपको इन सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं चैनल पर, उन सभी नोट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप ले लेना। पेपर सेकंड है आपका क्रिप्टोगेम्स ब्रायोफाइटा टाइडोफाइटा में विविधताएं तथा जीवाश्म पादप विज्ञान, पेपर पैटर्न बता ही दिया, और इसकी पाँचों यूनिट का सिलेबस आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में मैं सिलेबस इसलिए बता रही हूं क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में वर्ड्स में पढ़ने में दिक्कत होती है तो वो हिंदी मीडियम में यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर है पेपर थ्री आपका कोशिका विज्ञान आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, और ये है इसकी पाँचवीं यूनिट का सिलेबस। ये सारे चैप्टर्स आपको बीएससी के अंदर पढ़ने हैं इस पेपर के अंदर, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है कोशिका आवरण, सेकंड है गुणसूत्र संगठन, थर्ड में आपका दो पार्ट है आनुवांशिक वंशानुगति और एक है जीन अभिव्यक्ति, ठीक है, दो पार्ट हो गए ये। यूनिट फोर है आपकी आनुवांशिक विषमताएँ, यूनिट फाइव है आपकी पादप प्रजनन। इसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल्स में टॉपिक्स हैं, यानी आपके जो फर्स्ट ईयर बॉटनी में प्रैक्टिकल्स होंगे जो कि आपके कॉलेज वाले आपको करवाएं या ना करवाएं, लेकिन सिलेबस में तो आपके ये सारे टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल के अंदर जो कि आपको फर्स्ट ईयर बॉटनी के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रैक्टिकल्स के टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको चाहे तो आप यूट्यूब पर से भी देख कर पढ़ सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये प्रैक्टिकल होता किस तरीके से है, उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पर, ठीक है। नाउ यहीं पर आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया,
और प्रैक्टिकल्स में जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी बता दिए। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ईयर बॉटनी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर होता है। अब यदि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सिलेबस हमारे सिलेबस से मैच नहीं हो रहा, तो आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जहां से भी आप बीएससी कर रहे हैं, और वहां से अपनी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करें, ताकि जो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।